गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। सब्जेक्ट है हमारा बैंकिंग। लेसन का नाम है बैंकों द्वारा धन का विनियोजन करना। विनियोजन मतलब विनियोग करना, इन्वेस्ट करना कि हम अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके किस तरीके से हम अपने इनकम को बढ़ाते हैं। अब पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक। लाभोपार्जन करने वाली एक संस्था होती है। लाभोपार्जन मतलब लाभ प्रदान करने वाली एक संस्था होती है। अतः उसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कोष को इस प्रकार विनियोजित करे। कोष मतलब फंड को, विनियोजित मतलब इन्वेस्ट करे, इससे उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए वह अपनी पूंजी को कुछ निश्चित प्रकार के विनियोगों में लगाते हैं, परंतु इस संबंध में बैंकों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह अपने धन का विनियोजन इस प्रकार से करें कि वह अपने ग्राहकों की मांग पर तत्कालीन भुगतान कर सकें। तत्कालीन मतलब जब ग्राहक बैंक के पास जाता है और अपने पैसों को मांगता है तो बैंक उन्हें साथ के साथ पैसा दे दे, क्योंकि बैंक की अधिकतम पूंजी जमा धन द्वारा प्राप्त होती है। बैंकों का व्यापार जनता के विश्वास पर आधारित होता है। यदि किसी भी समय बैंक अपने जमाकर्ताओं की मांग का भुगतान करने में असमर्थ रहता, मतलब उनका जो भुगतान लेने गए हैं, पैसा लेने गए हैं, उसे नहीं चुकाता है, तो जनता का उस पर से विश्वास उठ जाता है। इसके फलस्वरूप बैंकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होते हुए भी अपना व्यापार बंद करना पड़ता है। अतः बैंकों को अपने साधनों की तरलता व उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब है बैंक के कोषों पर विनियोजन करना। कोषों मतलब फंड के द्वारा इन्वेस्ट करना होता है बैंकों पर। ये दो भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले अलाभकारी विनियोग, दूसरा है लाभकारी विनियोग। अलाभकारी विनियोग, बहुत से विनियोग ऐसे होते हैं जिससे बैंकों को समानतः लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अंतर्गत ये निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित में सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले आता है नगद कोष। बैंक का नगद कोष वह कोष होता है मतलब फंड जिसे बैंक अपने पास या अन्य बैंकों के पास अपने दायित्वों के भुगतान के लिए रखते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टिल मनी भी कहते हैं। बैंकों को इस नगद कोष को रखने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि वे अपने जमाकर्ताओं की मांग का समय पर भुगतान कर सकें। साथ के साथ मतलब जब ग्राहक अपना पैसा लेने बैंक में जाता है, उन्हें साथ के साथ पैसा दे सकें। बैंकों के नगद कोष को प्रथम रक्षा पंक्ति भी कहते हैं, क्योंकि नगद की मांग बढ़ने पर उनकी पूर्ति के लिए सर्वप्रथम नगद कोष की धनराशि का भी उपयोग किया जाता है। अब हमारा नगद कोष की राशि का निर्धारण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बैंक में नगद कोष की मात्रा को निर्धारित करने के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, फिर भी कुछ सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं जिसकी नकदी की मात्रा निर्धारित करते समय बैंकों को ध्यान रखना चाहिए। ये सामान्य निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वैधानिक आवश्यकताएं। वैधानिक आवश्यकताएं, जैसे कुछ देश में बैंकों द्वारा नगद कोष रखे जाने की न्यूनतम सीमा संबंधित नियम बनाए जाते हैं। मतलब बहुत से देशों में क्या होता है कि बैंकों में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो एक लिमिट होती है कि आपका खाते में 5,000, 10,000, 20,000 के पैसे होने आवश्यक होते हैं। भारत में यह सीमा रिजर्व बैंक में कुछ जमा मतलब सावधि व चालू जमा के रूप में होती है और उस पर 5% होते हैं। नेक्स्ट है ग्राहकों की आदत। यदि ग्राहक अपने लेन देन का चेक या अन्य साख पत्र का अधिक उपयोग करते हैं तो बैंक बहुत सीमित मात्रा में नगद कोष रखकर अपनी सुगमता पूर्वक चला सकता है। आजकल क्या ग्राहक अपना पैसा
बैंकों में जमा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चेक है, साख पत्र, इनका भी प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे बैंकों के पास नगद कोष तो कम है और अपने इस तरीके के पत्रों को जमा करने लगे हैं। स्थानीय व्यापारिक अवस्थाएं, यदि वह स्थान औद्योगिक व व्यापारिक प्रतिनिष्ठी का क्षेत्र है, तब बैंकों को अधिक मात्रा में नगद कोष रखनी होगी। इसके विपरीत यदि वह स्थानीय कृषि प्रधान है, तो कम मात्रा में नगद कोष रखकर काम चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा समाशोधन ग्राहकों की सुविधा। जिस स्थान पर समाशोधन ग्राहकों की सुविधा उपलब्ध होती है, उस स्थान के बैंकों को नगद कोष की मात्रा में रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिकांश चेक समाशोधन ग्राह से होकर ही आते जाते हैं, तथा बैंकों का आपसी भुगतान कम मात्रा में धन का हस्तांतरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जमा की मात्रा। यदि बैंक में अधिक धनराशि वाले खातेदार कम संख्या में हैं, तो बैंक को नगद कोष अधिक रखनी पड़ती है। इसके विपरीत यदि छोटे छोटे धनराशि वाले खातेदार अधिक मात्रा में हैं, तो बैंक कम नगद कोष रखकर ही अपना काम चला लेती है, क्योंकि प्राय यह माना जाता है कि अधिक ग्राहकों की संख्या होने पर कम जमा निकाली जाती है। खातों की प्रवृत्ति है, यदि बैंक में सट्टेबाजारी या दलाली के खाते तथा चालू खाते अधिक मात्रा में हैं, तो बैंक को अधिक नगद कोष की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि बैंक में सावधि जमा खाते की संख्या अधिक है, तो कम संख्या कोष में बैंकों का काम चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा अन्य बैंकों की नगद कोष की निर्धारिता। एक बैंक की नगद कोष की निर्धारिता दूसरे बैंकों की नगद कोष की नीति को प्रभावित करती है, मतलब नए नए रूल एक दूसरे बैंक निकाल कर करके प्रभावित करते हैं। इनका प्रमुख कारण यह है कि बैंकों के पारस्परिक प्रतियोगिता अधिक होती है, तथा अधिक नगद कोष रखकर ही बैंक जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं। यदि एक बैंक द्वारा अधिक नगद कोष रखी जाती है, तो अन्य बैंक को भी नगद कोष रखनी आवश्यक होती है। विनियोगों का प्रवर्तन करना, विनियोग मतलब इन्वेस्ट करना, बैंक के धन का अधिकांश भाग तरल व प्रतिभूतियों में विनियोगित है, तो उसे कम नगद कोष की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इस प्रतिभूतियों की आवश्यकता के समय तुरंत ही अन्य बैंकों का केंद्रीय बैंक के भुगतान रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके विपरीत यदि बैंक धन तरल आवश्यकता प्रतिभूतियों की कमी होती है, तो क्या करते हैं, अधिक नगद कोष रख लेते हैं। पूर्ण कटौती की सुविधा। यदि बैंक विपत्रों के पूर्ण कटौती की सुविधा प्राप्त के रूप में उपलब्ध कराते हैं, तो उसे कम नगद कोष रखनी होगी। इसके विपरीत पूर्ण कटौती की सुविधा उपलब्ध न होने पर बैंकों की अधिक मात्रा नगद कोष रखनी पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलाभकारी का मृत स्कंद, मतलब डूबे हुए ऋण जिनकी मिलने की कोई संभावना नहीं होती है या लेट मिलने की संभावना होती है। यह बैंक का दूसरा अलाभकारी विनियोग है। बैंकों को अपनी इमारत, फर्नीचर, फिटिंग, भूमि आदि पर जो व्यय करने पड़ते हैं, उसकी आवश्यकता व्यवसाय संचालक के लिए होती है। इसकी जो सरलतापूर्वक इसे जो है हम सरलतापूर्वक नहीं बेच सकते हैं, बैंकों को इससे कोई आय भी प्राप्त नहीं होती है। तो जो चीज़ हमारी डूब जाती है, बैड डेब हो जाती है, बहुत टाइम बाद मिलती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये आज की हमारी क्लास में दो तीन टॉपिक हो गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।